अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर सलमान है। वेलकम टू न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करेंगे अपना ये एसएस रोग स्टिक्स का मॉनिटर, जिसका मॉडल है XG279 170 हर्ट्ज और 2560x1440 WQHD इसकी पैनल है। और अनबॉक्सिंग करके आपको दिखाता हूँ इसके कंटेंट्स क्या हैं और इसका फर्स्ट लुक और आपको फीचर्स भी दिखाता हूँ। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ सपोर्ट करें। और ये मैं गेमिंग सेटअप जो अपना बना रहा हूँ इस टेबल पे, कूगर मार्स टेबल पे, उसको मैं सेट करके सारा आपके साथ शेयर करूँगा। और ये मैंने परचेज़ किया है पैराडाइम कंप्यूटर्स, उस्मान और जुनेद वहाँ पे होते हैं, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, और उनका मैं कॉन्टैक्ट नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और उनसे अगर आप कोई चीज़ लेना चाहते हैं, कंप्यूटर एक्सेसरीज, लैपटॉप या कोई भी ऐसी चीज़, तो आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लिबर्टी में उनका उनकी शॉप है आईटी टावर में, मैं डिस्क्रिप्शन नीचे दे दूँगा। तो अब करते हैं इसको अनबॉक्स और आपके साथ शेयर करते हैं, लेट्स डू इट। ये सेम ही है इसका जो यहाँ पे फ्रंट पे पैटर्न था, वही बैक पे इन्होंने पैटर्न दिया हुआ है। और इस साइड पे एसएस रोग का लोगो, ये इसकी रेजोल्यूशन 170 हर्ट्ज, फास्ट IPS, 1 ms रिस्पॉन्स टाइम। तो अब इसको ओपन करके देखते हैं और सेटअप करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं, लेट्स गो। ये एसएस की ऑफिशियल टेप और ये हमने उतार दी है। तो ये इसका पैकेज निकला है बॉक्स में से। अब इसको खोलते हैं और खोल के आपको सेटअप करके दिखाता हूँ। तो ये अनबॉक्स करने में सबसे पहले हमें मिलता है इसका ये रीडिंग मैनुअल, ये इसकी पावर केबल। ये दो तरह के पावर केबल सॉकेट्स दिए हैं। HDMI केबल है, एसएस रोग ब्रांडिंग। ये 8K डिस्प्ले पोर्ट केबल है, ये 8K केबल है। ये USB 3.0 अपस्ट्रीम केबल है, आप देख सकते हैं उसके पोर्ट्स। ये इसकी पावर ब्रिक है। ये इसका स्टैंड है, इसको उठाते हैं। और ये स्टैंड इसका जो रिलैक्स स्टैंड है, ये भी मैं आपको लगा के सेटअप करके दिखाता हूँ। और इसके अंदर जो आपने ये रेड लाइट लगानी है, वो किस तरह लगानी है वो भी दिखाता हूँ। ये एक फैन शेप इसका स्टैंड है, टेबल स्टैंड जिसे हम कहते हैं। और ये जो इसकी चीज़ है, ये चीज़ जो है ये यहाँ पे कनेक्ट होगी, और उसके बाद इसका लोगो जो है ये वाला, ये लोगो इसका इसके साथ लगेगा, जिससे हमें RGB और रेड लाइट सारी वो नज़र आएंगी। तो शशके बहुत हैं एसएस रोग के अंदर। स्क्रू को हम इस तरह से टाइट कर देंगे। ये इसका लोगो जो है यहाँ पे, ये उतर जाएगी वायर, और ये दूसरी प्लेट जो है ये भी इसमें लग जाती है। तो ये आप देख सकते हैं, ये एक शेप जो है ये आपको नज़र आ रही है, और अगर ये उतारना चाहें ये उतार के, ये दूसरी शेप है, ये भी लग जाती है। ये पोर्ट्स आप देख सकते हैं, दो HDMI पोर्ट्स हैं, एक डिस्प्ले पोर्ट है 8K, उसके बाद USB 3.0 अपस्ट्रीम पोर्ट और 2 नॉर्मल USB 3.0 पोर्ट्स हैं, और उसके बाद पावर और हेडफोन। ये लोगो प्रोजेक्शन है और ये लोगो प्रोजेक्शन। बड़ा ही प्यारा RGB लोगो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 1 2 3 एंड यस।
ये जी मैंने अपना एसएस रोग स्टिक्स G15 जो है वो कनेक्ट किया है इसके साथ, और बाद में कर और अपनी ही कोई वीडियो प्ले करते हैं। ये मॉनिटर से अभी साउंड आ रही है। अच्छा जी, GTA 5 मैंने अपने एसएस रोग स्टिक्स लैपटॉप के थ्रू लगाई है, जो कि 144 Hz है, और ये डिस्प्ले भी अच्छा है। तो इस पर आप देख सकते हैं FPS काउंटर जो है 144 Hz, और ये वेरी कर रहा है बीच में, और इस पर इतना क्रिस्प ग्राफिक्स आ रहे हैं। गाड़ी आप देखें, रे ट्रेसिंग चेक करें तो लाइव खेलने में मुझे और ज़्यादा मज़ा आया था, लेकिन जब मैं PS5 पर डायरेक्ट लगाता हूँ तो वो 60 FPS से ऊपर नहीं जाता। तो ये एक अच्छी चीज़ है इसके अंदर के लैपटॉप के थ्रू जो आप गेम लगा रहे हैं, काउंटर स्ट्राइक या कॉल ऑफ ड्यूटी या GTA, ये देखें अब 60 पे आ गया फ्रेम, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है इसकी। वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। तो ये था हमारा एसएस रोग XG279Q मॉनिटर की अनबॉक्सिंग और फर्स्ट लुक। इसकी डिटेल जो भी गेमिंग पावर आउट डिटेल गेमिंग आउटपुट है जो भी है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। तो बहुत ही ज़बरदस्त मॉनिटर है, और हैट्स ऑफ।